हेलो फ्रेंड, ट्रिकी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 31 मार्च 2017 के बाद रिलायंस जियो की फ्री सर्विस खत्म होने वाली है। इसके बाद अगर आपको अपना नंबर चालू रखना है तो उसके लिए आपको रिचार्ज करना होगा। साथ ही 31 मार्च 2017 रिलायंस जियो प्राइम सर्विस लेने की आखिरी डेट है। और अब ऐसी खबर आ रही है कि रिलायंस जियो प्राइम सर्विस लेने की आखिरी डेट जो 31 मार्च 2017 है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। टेली एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जैसा कि कंपनी सोच रही थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी गेस कर रही थी कि उसे लगभग 2.2 से लेकर 2.7 करोड़ से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा ना होने के कारण कंपनी जो है इस डेट को आगे बढ़ा सकती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के सूत्रों ने जानकारी दी कि रिलायंस जियो की प्राइम सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन डेट 31 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, पर अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग अभी तक 50% ही रजिस्ट्रेशन मिले हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूत्रों ने यह जानकारी नहीं दी कि प्राइम मेंबरशिप अभी तक कितने लोगों ने ली है। तो फ्रेंड, अभी मिली न्यूज़ के मुताबिक बस यही कहा जा सकता है कि ये जो डेट है प्राइम मेंबरशिप लेने की 31 मार्च, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड जब जैसे भी किसी तरह का अपडेट मिलेगा मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि फ्रेंड, मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड आपसे मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।